तो दोस्तों अभी आप लोग जो देख रहे हो ये मैंने मंगा लिया है अपना पार्सल, यानी कि फाइनली मेरे पास आ चुका है जो मैंने 25 तारीख को लिया था, और ये फाइनली आ चुका है। और ये मैंने बुलबुल एक वेबसाइट का नाम है उससे मैंने लिया, और ये मुझे काफ़ी कम दाम में मिला, लगभग 127 रुपये का कुछ मिला है मुझे, ऑफ़र ऊफर सब मिला के मिला है। और ये जो इसका ओरिजिनल रेट है, तो इसका ओरिजिनल रेट आपको बता दूँ 700 रुपये है। तो देखिए यहाँ पर ओपन करते वक्त आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बुलबुल का आ रहा है स्टैम्प, और इसके बाद यहाँ पे हम खोलते हैं। इसका पैकेजिंग में मुझे नहीं लगता है कि इसमें बॉक्स दिया गया, क्योंकि मैंने एक और यूट्यूबर का वीडियो देखा था, उसमें भी मैंने देखा था उसको बॉक्स नहीं मिला था, उसको कुछ पाउच में मिला था। तो मैं इसको सिंपली से खोल लेता हूँ, और खोलने के बाद देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक पाउच में ही हमें मिला है, और यहाँ पर सिर्फ एक पाउच में आपको सब चीज़ देखने को मिलता है, तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलता। और हम पाउच खोलते हैं तो फिर देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो इसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, मेटल की होने वाली है। तो आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ कॉलर माइक लिखा हुआ है, और इसको खोलते हुए हम देखेंगे इसमें। तो आप लोग देख सकते हो एक माइक है, और इसमें आपको एक नॉइस कैंसिलेशन के लिए एक फॉर्म देखने को मिलता है, और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और काफ़ी भारी दिख रहा है। तो देखते हैं अभी, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी मस्त है। और एक क्लिप भी जो है वो प्लास्टिक का नहीं है, मेटल का है, और मुझे बोया M1 का जैसा मतलब बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा माइक है। अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो। और देखो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके बाद आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। वॉइस क्वालिटी आपको दिखाता हूँ कैसा है इसका वॉइस क्वालिटी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट बैकग्राउंड पर आते हैं, तो आप लोग लाइक भी करते जाइए। तो इसमें नॉइस फॉर्म लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, और आप देख सकते हो। और वापस से मैं इसका नॉइस फॉर्म निकाल देता हूँ, तो आप देख सकते हो पूरा अंदर मेटल का है, डिज़ाइनिंग है, और इसके साथ साथ ये भी अच्छे, ये भी ऊपर का जो है ये मेटल का है, बाकी नीचे का सब प्लास्टिक का है। तो आप देख सकते हो घूम रहा है, और फिर इसके बाद में आप ये सब देख सकते हो, काफ़ी अच्छा इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा। और ये क्लिप भी आपको प्लास्टिक का नहीं बल्कि मेटल का मिलता है, और ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है। वायर का थोड़ा मुझे कम बिल्ड क्वालिटी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी मतलब कि लूज़ वायर लग रहा है मेरे को। और बस इतना ही था अनबॉक्सिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, ये लेपल माइक से कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तो मैं अभी आप इसका वॉइस क्वालिटी अभी आप सुनोगे इसका वॉइस क्वालिटी कैसा है। और ये जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अपने मेन जो मोबाइल का माइक्रोफोन है उससे रिकॉर्ड हो रहा है, और अब आप इसका सुनेंगे। और इसका मैं विदाउट ये एयर का नोइसे का कैप वापस हटा के फिर मैं आपको इसमें देखूंगा, और देखूंगा दोनों में डिफरेंस कितना आता है। तो चलिए आवाज़ सुनते हैं। तो ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये है माइक से रिकॉर्डेड हुआ, और मेरा फ़ैन भी चालू है। तो आप लोग बताओ कि कैसा वॉइस क्वालिटी है, और अब मैं आपको कैप लगा के बताऊंगा कैसे वॉइस क्वालिटी है। तो चलिए हम अपने कैप पे मूव करते हैं। तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो नॉइस फॉर्म लगा के मैंने किया था, तो आप लोग देख सकते हो दोनों में। और मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया पूरा स्टार्टिंग से जो अनबॉक्सिंग किया वो मैंने मेन माइक्रोफोन से हुआ। तो आप लोग ये बताओ कि वॉइस क्वालिटी या माइक कैसा है। तो बस आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलता हो, तब तक गुड बाय, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए गुड बाय।